आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, इन्हें एस्टैब्लिश करने के पीछे क्या रीजन है? तो देखिए, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है टू वाइल्ड लाइफ। अब होता ऐसा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज ये सब फसाद की जड़ है कि ये क्या करेंगे। देखिए, पोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे या फिर हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं। ये क्या करेंगे, एक तो शेल्टर छीन लेंगे इन एनिमल्स का या प्लांट्स का, एंड दूसरी चीज क्या है कि इनमें बिग ट्रबल, इनका जो एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज ये हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इन्हें रोकना चाहिए, और इन्हें रोकने से अच्छा हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए इन वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड प्लांट्स को। तो इसके पर्पस क्या है, मेन रीजंस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड नेक्स्ट हम बोल सकते हैं प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया। ये कुछ मेन रीजन है, ह्यूमन एक्टिविटीज को रोकना है, इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज हमें क्या करना है, बिल्ड करने हैं, और इन्हें क्या करना है, जो भी एनिमल्स है उन्हें प्रोटेक्शन देना है। इसके लिए हमें नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज को क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट करना है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।